दक्षिण सागर में चीनी विमान ने अमेरिका जेट का पीछा किया। चीन अमेरिका के संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में एक चीनी विमान ने अमेरिका के सैन्य टोही विमान का पीछा किया। अमेरिका ने दावा किया कि ये विमान खतरनाक तरीके से उसके विमान के पास आ गया था, जिससे उसके विमान का संतुलन गड़बड़ा गया। अमेरिका ने कहा कि वह इस क्षेत्र में उड़ान संचालित करना जारी रखेगा। बीजिंग अक्सर देता है क्षेत्र में उड़ानों को चुनौती। चीन अक्सर अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य विमानों को चुनौती देता है, खासकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर, जिस पर चीन पूरी तरह से दावा करता है। वह अमेरिका की नियमित उड़ान को लेकर लंबे समय से मांग करता रहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में उड़ानों का संचालन न करे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्विटर पर शेयर एक वीडियो में एक लड़ाकू विमान को अमेरिकी प्लेन के सामने से गुजरते हुए और कुछ सेकंड बाद RC-135 के कॉकपिट को झटके से हिलते हुए देखा जा सकता है। वाशिंगटन ने चीनी दूतावास ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब है कि चीन पहले ही अमेरिका को धमकी दे चुका है कि दक्षिण चीन सागर में जहाज और विमान भेजना शांति के लिए अच्छा नहीं है।